हेलो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो टेक की वीडियो लाते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम आज बताएंगे आपको कि आप ब्राउज़र में आप कैसे अपना लोगो, गूगल के जगह आप अपना लोगो या नाम लिख सकते हैं, लगा सकते हैं और नाम लिख सकते हैं। तो हम चलते हैं वीडियो स्टार्ट। तो इस ऐप का नाम है विया, ठीक है। अगर आपके फ़ोन की स्टोरेज कम है तब भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डाउनलोड बस ये केबी ऐप, केबी में ये ब्राउज़र है जो सबसे बेस्ट ऐप है। मैंने तो क्रोम को अनइंस्टॉल ही कर दिया अपने, तो ये बहुत कम जगह आपके फ़ोन की खेलता है और वो ये और इसे लो एमबी भी यूज़ करते हैं। तो इस ऐप को हम ओपन करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं कैसे लगाते हैं। जिसे हमने ओपन किया, इसको ओपन करते हैं आप मेरे जो स्क्रीन देख सकते हैं, ये लोगो जो लगा है, ये जो बैकग्राउंड ये भी मैंने इसका चेंज किया है और इसका लोगो है ये भी चेंज किया है। तो ये गूगल का ब्राउज़र है, आपको ये सुनिए तो मैं आपको सर्च कर दीजिए। ये देखिए आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी। ये देखिए मैंने ऑफलाइन हूँ इसलिए अभी ये मैंने नहीं ओपन किया है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये इसमें सर्च सब कुछ यही होता है जैसे आप गूगल में करते हैं, मगर आप इसमें लोगो आपका होगा। ताकि करने के लिए आपको ये लोगो लगाने को, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आप वीडियो ज़रा सा स्किप करेंगे तो आपसे मिस हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको करना है कि ये जो थ्री डॉट देख रहे हैं आप, इस पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे आप हम इसमें। तो ये हमारा दिया गया है सेटिंग, जो सेटिंग को क्लिक करेंगे। ओके, तो हम सेटिंग पर क्लिक करते हैं। तो ये आप जाएंगे, इसमें कुछ भी हमें करना नहीं है। तो अभी आप देख रहे हैं कस्टमाइजेशन लिखा है, तो आप सिंपली इसी पे सेकंड नंबर पे इसे क्लिक कर देंगे। तो आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके नीचे शो होने लगेगा, ये आगे हमारा लोगो लिखा है और सेकेंड आएगा बैकग्राउंड। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। ऑफ अगर डिफ़ॉल्ट और पिक्चर, तो आपको पिक्चर पे क्लिक करना, आप सिंपली गैलरी में अपनी पहुँच जाएंगे और गैलरी से आप कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं इमेज चूज़ कर लेता हूँ आपके। तो ये हमने अपनी इमेज चूज़ कर ली, ये देखिए हमारा आ गया है। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो आप देख रहे हैं आप बैकग्राउंड इसका कैसे चेंज कर सकते हैं। वो बैकग्राउंड चेंज करने के बाद आपको जो लोगो है ये बैकग्राउंड लिखा, बैकग्राउंड पर क्लिक करें तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लोगो पे क्लिक करते हैं तो लोगो पे हम बताते हैं आपको, लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपका आएगा डिफ़ॉल्ट पिक्चर टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, इसलिए आप यहाँ से सिंपली कट कर देना, कट हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते ए के एस, ठीक है अपने। तो ये देखिए हमारे इस जगह लोगो की जगह आ गया हमारा ए के एस आ गया। तो अब इसके हमें कुछ नहीं करना है, तो एक ही ऐसा क्या आपको फिर इसे क्लिक करना। अगर आपको लोगो लगाना है तो इसके पर पिक्चर पे क्लिक करना होगा आपको। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको आना है, तो मैं आप यहाँ से गैलरी से अपने से कोई भी पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं ये पिक्चर चूज़ कर ले रहा हूँ, ये देखिए। तो ये हमारा लोगो शो होने लगा है, लोगो शो होने लगा है। तो अब ये कोई भी अपना लोगो लगा सकते हैं बना के। तो वीडियो को तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये ऐप पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इस ऐप का पहले से यूज़ कर रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।